नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट 7 है, यानी सातवां पार्ट है। 6 पार्ट दोस्तों मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं पार्ट वाइज आपको करा रहा हूं रीजनिंग, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती है, इसलिए दोस्तों आप सभी पार्ट को जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है हिस्ट्री HISTORY, ठीक है, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करने से पहले करना क्या है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आपके अनुसार कौन सा आंसर आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है और मेरे अनुसार कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्या करना है, अपने आप से भी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो देखिए इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। शब्द लिखा है ना, कौन सा शब्द, हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्फाबेटिकल क्रम, ठीक है, यानी ABCD के क्रम में हम व्यवस्थित कर दे। तो यहां कह रहा है कि व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझा रहा हूं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री में कौन कौन से अक्षर है दोस्तों, H है, फिर क्या है दोस्तों I है, फिर क्या है S है, T है, उसके बाद क्या है दोस्तों O है, R है, उसके बाद क्या है दोस्तों Y है। ये अक्षर से मिलकर, इन अक्षरों से मिलकर क्या बना है, हिस्ट्री। अब इसको कहा है ना अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पे, ठीक है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्णमाला क्रम का मतलब पहले क्या आएगा दोस्तों हिस्ट्री में, जैसे कहने का मतलब है पहले ABCD में पढ़ेंगे, A आता है, B आता है, C आता है, D आता है, इस प्रकार से इसको रखना है, ठीक है। तो A तो है नहीं, B है नहीं, CDEFGH है ना, तो H हो जाएगा, H के बाद क्या आता है दोस्तों I हो जाएगा, J नहीं है, KLMNO है, तो O रख देंगे, जो इसमें है उसी को रखना है, ठीक है। OPQR, R है तो R को रख देंगे, फिर S है तो S को रख देंगे, T है T को रख देंगे, UVWX नहीं है, Y है तो Y को रख देंगे, जो है इसी को क्या करना है दोस्तों ABCD के क्रम में, यानी वर्णमाला के क्रम में ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे कहा है व्यवस्थित करने के बाद शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो यहाँ पे समझिएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखना है कि किसके नीचे कौन है, यानी कि देखिए H के नीचे H है, यानी किसकी स्थिति क्या है, अपरिवर्तित है। I के नीचे I है, इसकी स्थिति क्या है, अपरिवर्तित है। यहाँ पे देखिए यस ओ, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, यस ओ ए नहीं है, TR भी नहीं है, OS है, यहाँ पे क्या है RT है, यहाँ पे YY है, ठीक है, ये ऊपर नीचे क्या है, समान है। तो ये तीन अक्षर है कौन कौन, HIY, इनका स्थान क्या हो रहा है दोस्तों, स्थिति क्या है, अपरिवर्तित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीन, तीन अक्षरों की, कुल कितने अक्षरों की, तीन अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो तीन किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता, जो लिखा है उसको आप देखिए और उसके नीचे क्या करेंगे, उन्हीं अक्षरों को पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, बस इतना करना है और तुरंत इसका आंसर मिल जाता है। बस सेकेंडों का क्वेश्चन है, आप इसके लिए बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेन डायग्राम का, और वेन डायग्राम को क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। देखिए आपको वेन डायग्राम बनाना है, किसका किसका, डॉक्टर महिला और पुस्तक। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, पहले भी बताया हूं फिर से बता रहा हूं,
क्या करेंगे, जो इसमें शब्द दिया रहता है, जैसे इसमें शब्द क्या दिया है दोस्तों, डॉक्टर दिया है, महिला दिया है और पुस्तक दिया है। इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आपको विचार करना है, यानी सोचना है, समझना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसा होता है। ठीक है, बस इस चीज का पता लगा लेंगे, तुरंत इसका आंसर भी आप बता देंगे। देखिए कैसे रिलेशन पता लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब आपको सोचना कैसे, आपको दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, देखिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए महिला। देखिए आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, डॉक्टर, डॉक्टर को देख लिए, महिला, फिर उसके बाद पुस्तक देखिए। ठीक है, अब बताइए इनका रिलेशन कैसे होता है, डॉक्टर कौन होता है, पुरुष होता है कि महिला होता है, ठीक है, पुरुष होता है कि महिला होती है डॉक्टर, ये बताना है। तो आप बोलेंगे पुरुष भी होते हैं, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती है, सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते हैं, सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती है, उसमें से पुरुष और महिलाओं में से कोई क्या होते हैं दोस्तों, यानी इसमें महिला करे तो महिला भी कुछ डॉक्टर होती है। ठीक है, और यहाँ पे पुस्तक है, पुस्तक से आप रिलेशन बताइए दोस्तों, डॉक्टर से या महिला से है कि नहीं, पुस्तक कोई होता है, महिला होती है या डॉक्टर होते हैं, नहीं पुस्तक तो पुस्तक ही होता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, समझिए अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक डॉक्टर का दोस्तों सर्कल बना दिया जाएगा, ठीक है, और डॉक्टर में से क्या होगा दोस्तों, कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, सभी डॉक्टर महिलाएं नहीं होती हैं, या कह लीजिए सभी महिलाएं भी डॉक्टर नहीं होती है, ऐसे कह लीजिए, ऐसे, या सभी डॉक्टर महिलाएं नहीं होती, यानी कि कुछ इस टाइप से आपको काटना है। ठीक है, ऐसे, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यानी कि कुछ महिलाएं डॉक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों पुस्तक का है, तो पुस्तक क्या होता है, अलग होता है इन सबसे, तो पुस्तक का अलग हो जाएगा, इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, डॉक्टर का हो जाएगा, डॉक्टर में कुछ क्या होंगी, महिलाएं डॉक्टर होती है, बस ये इस टाइप से बन जाएगा, उसके बाद पुस्तक का अलग बन जाएगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में दिया है वेन डायग्राम, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही जाए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। हमारे वीडियो में वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जब आप एग्जाम देंगे तो देखेंगे यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों एक चीज और बता दूं, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, पूछा हूं इस वीडियो में, उसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है, कि उसका सही आंसर क्या होगा, वो आपके होमवर्क के तौर पे है, उसे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे उसका सही आंसर क्या होगा, मैं कमेंट देखूंगा कितने लोगों ने सही किया। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपका डाइस का है क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों बिना पेन उठाए सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए क्या करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए ये प्रश्न सॉल्व होता है। कैसे, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, पहले तो आपको देखना है सी कहाँ है, सी ये है, यहाँ पे कह रहा है कि इसके विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा। देखिए पहले आपको डाइस का ये क्वेश्चन है, खुला पासा का क्वेश्चन है, तो पहले आपको देखिए डाइस कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा डाइस दोस्तों, देखिए डाइस दोस्तों ऐसे होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, समझिएगा अभी यहाँ पे रफ यूज की तरह से इमेज बना दे रहा हूँ, डाइस इस टाइप से होता है ना, यहाँ पे इसमें डाइस में कुल कितने फलक होते हैं दोस्तों, छह फलक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो छह फलक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है, अगर जो मैं बोल दूँ सामने वाला ये जो फलक है ना दोस्तों, ये सामने वाला इस पे वन लिखा हो तो इस साइड वाला पे टू होगा, और जो पीछे की फलक है उस पे क्या होगा, थ्री, जो नहीं दिख रहा है, समझिएगा वो फलक नहीं दिखेगा, तो एक का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तीन, यानी सामने वाले के जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आएगा, यानी प्रत्येक तीसरा पासा में क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है, तो समझिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, देखिए विपरीत निकालना हो, जब खुला पासा दिया हो तो आपको कुछ नहीं, इसमें आपको देखिए ट्रिक बता रहा हूं क्या है, जो सबसे लंबी लाइन हो, इसमें सबसे लंबी लाइन कौन है, देखिए जहां पे मेरा पेन चल रहा होगा आपको नजर आ रहा होगा ये रेड वाला, ठीक है, ये सबसे लंबी लाइन है ना, अब इसी से आपका सारा आंसर निकल जाएगा, इसी में आप एक कॉर्नर से आप चलिए काउंट कीजिए, इधर से मतलब लेफ्ट साइड से चलते हैं, वन टू थ्री, ये क्या हो जाएगा, डी का सी, यानी कि पहला का तीसरा क्या होगा,
विपरीत होगा, डी का सी कह लीजिए या सी का विपरीत डी, ठीक है, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है, यानी डी का सी हो जाएगा। और ये जो बचा है ना ई वाला, इसका भी यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, तो यानी कि इसका विपरीत ये हो जाएगा, और जो बच जाता है दोस्तों उसका वो हो जाता है, ठीक है, ए का एफ हो जाएगा, एफ का ए कह लीजिए, ठीक है। प्रश्न में आपका पूछ कह रहा है दोस्तों बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो सी का विपरीत कौन है दोस्तों, देखिए सी से कहां तक चला है, सी से देखिए सी से डी तक चला है, यानी कि सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा, या डी का विपरीत पूछे तो सी होगा। तो किस ऑप्शन में डी है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जो बड़ा वाला लाइन है उसमें 1 2 3 काउंट करना है, ऐसे बस बना देना है, बस ऐसे इमेज बनाना है, और जो बच जाता है उसका ऐसे मिला देना है। अब किसी का भी पूछे, बी का पूछेगा ई बोल देंगे, ई का पूछेगा बी बोल देंगे, ए का पूछेगा विपरीत एफ बोल देंगे, एफ का पूछेगा तो ए बोल देंगे, बस इतना ही कर किया जाता है और ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी दोस्तों सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन के कहने का मतलब है, ये 753 का संबंध दोस्तों 105 से, उसी प्रकार से 937 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये 753 है, ये 105 है, ठीक है, ये 937 है, और आगे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह से इसका संबंध। तो देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की अपने आप से कोशिश करना है, उसके बाद समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो 105 है दोस्तों ये 753 से ही बना है, ठीक है, 753 से ही बना है, कहने का मतलब है दोस्तों 753 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 7 है, 5 है, 3 है, इसको क्या करिए दोस्तों सभी को आपस में गुणा कर लीजिए, 3 5 15 और 15 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा, और देखिए 105 यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए 937 किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 9 3 7, इसको क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, 7 3 21 और 21 × 9 करेंगे 189 हो जाएगा, आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, कैसे गुणा करेंगे, 21 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 1 9 9 2 18 क्या हो जाएगा, 189 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा गुणा करने पे 189 होगा, 189 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी रहा, क्या इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, कैसे, 3 5 15 15 7 105, 7 3 21 21 9 189 जो कि ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लुप्त संख्या है कहाँ प्रश्न में, देखिए मिसिंग नंबर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना, लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, यहाँ पे गायब है जो संख्या, यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे जब बीच में मिसिंग नंबर हो, तो देखिए बीच में जब मिसिंग नंबर होता है दोस्तों तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है, क्या कौन कौन सा तरीका, एक तो देखिए बीच में ये संख्या है ना 8 है, इधर इधर क्या है बीच में दोस्तों, यहाँ पे 17 है, तो ये आप करिए दोस्तों 38 और 5 को, ठीक है समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, 38 और 5 को दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें कि 8 आ जाए, एक देखिए बीच में यहाँ पे 30 है, यानी कि 38 और 23 को हम क्या करें कि 30 आ जाए, एक प्रकार तो ये हो सकता है, या दोस्तों ऐसे आप सोच सकते हैं 23 और 2 को क्या करें कि 17 आ जाए, ये थोड़ा सा क्या होता है आसान तरीका होता है, ठीक है ऐसे सोच सकते हैं, या आप सोच सकते हैं दोस्तों 5 और 2 को क्या करें कि 3 आ जाए, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आता है ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8 और 5 को क्या करें कि 38 आ जाए, 17 और 2 को क्या करें कि 23 आ जाए, या प्रश्नवाचक चिन्ह और 3 को क्या करें कि 30 आ जाए, ठीक है ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर जो दोस्तों मैं बोलूं आपको कि 38 और 5 को कुछ करके 8 लाइए, तो यहां पे 8 आने वाला है, नहीं आ सकता,
23 और 2 को कुछ बोलू करके आप 17 लाइए, आने वाला है नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे 38 और 23 को करके 30 लाना है, ठीक है। तो 38 और 23 को हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, देखिएगा, और 1 6 हो जाएगा हासिल, ठीक है। 8 3 11 का 1 हासिल, 1 3 2 5 1 6 क्या हो गया दोस्तों, 61 हो गया। लेकिन दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे 30 दिया है, तो यानी कैसे यहाँ पे 30 होगा। अगर जो मैं बोलूँ दोस्तों 61 में से आप एक माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का आधा कर लीजिए, 60 का आधा का मतलब 2 से भाग, कितने बार में जाएगा दोस्तों, 30 बार में, तो क्या होगा 30। समझिएगा कैसे हुआ, अब एक बार और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे करना है 38 और 23 जोड़े, क्या हो गया 61। 61 में से क्या किया दोस्तों, एक माइनस कर लिया, हो गया 60। 60 का दोस्तों आधा कर लेंगे, 30 हो गया। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे वाले लाइन से क्या ऐसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 7। 7 में से एक घटाएंगे, सभी में से एक घटाना है, ठीक है। 7 में से एक घटाएंगे क्या होगा, 6। 6 का दोस्तों आधा कर लेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे, तो 2 3 6, और देखिए 3 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर यहाँ पे क्या है, 8 और 17। 17 8 क्या होते हैं दोस्तों, 17 8 होता है 25। 25 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 को दोस्तों आधा करेंगे, तो 2 से भाग कर देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यानी बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। 12 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो आज का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, श्रृंखला यानी सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, मैं देखूंगा कितने लोगों ने सही आंसर कमेंट किया। और अगर जो इसका आंसर आपको दोस्तों नहीं पता होगा कि कैसे ये सॉल्व होगा, तो आप दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 6 देख लेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे दोस्तों, 6 नंबर, कि 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर में मैं बहुत ही डिटेल में मैं इसको समझाया हूँ, ठीक है। तो आप उसे देख लेंगे, प्रीवियस जो भी वीडियो होती है उसी का मैं क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे। इसीलिए कहता हूं दोस्तों डेली सारे वीडियोस को आप देखा करिए, ठीक है। सारे वीडियो को देखेंगे तो आंसर क्या करेंगे, तुरंत आप कमेंट करने लगेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप का है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और दोस्तों आपको बता दूं, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप्स बना हुआ यहां पर प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप्स बना हुआ यहां पर प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।